नहीं, 5.4 फाइव पॉइंट 5.46 ओ 5.4 आपकी बुक में अलग है इसका मतलब। हाँ शायद हमने सबसे पहले 5.4 कर लिया, उसके बाद हमने 5.2 कर लिया और उसके बाद 5.3 कर लिया, 5.4 में 5.2 भेज रहा हूँ पहले, 5.4 भी भेज रहा हूँ, 5.1 भेजना क्या है? वैसे ही बता दो मुझे 5.1 क्या है। 5.1 तो भी कर ही नहीं उसमें कंटिन्यूटी। अच्छा सेकंड क्या है? सो दसी क्वेश्चन है, फोटो से देख लो। उसमें से 9 और 10 करना नहीं, अभी क्वेश्चन 8 तक करना है, बस चेन रूल अप्लाई होना है नाइन उसमें टेन से। नहीं करना है, इसका मतलब पहले वाली ही है। अच्छा हाँ यही है। तो 5.2 करवा रही आपको, हाँ जी, स्टार्ट आप कह रहे हैं ना 5.4 से किया है हमने। हमने 5.4 से किया, बट 5.2 करा दी, अभी तो हम फाइव अच्छा पॉइंट अच्छा देखो जरा। नहीं बाकी भेजू 5.4 नहीं एक्सरसाइज बस में। ये पुराने वाली है, इसमें कोई चेंज नहीं है। देखो जरा क्या है इसमें। एक तो ये याद करो अपना पुराना डेरिवेटिव, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, एन एक्स टू द पावर एन, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर ये एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स रेस टू द पावर एक्स लॉग ए, लोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, ये तो हो गया। ओ सॉरी लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1/x वन अपॉन एक्स, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स cos x कॉस एक्स, वेरी गुड, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कॉस टेंजेंट एक्स। x² x डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, -cos x नहीं cos² x साइन कॉस टेंजेंट कॉट सीकेंट एक्स, बताओ। x tan x डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसिकेंट एक्स, माइनस कॉट एक्स कॉसेक एक्स शायद, कॉसेक कॉसेक एक्स कॉट एक्स, यही था, कुछ रह तो नहीं गया, 6 हो गए पूरे, एक तो कॉस रह गया, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, साइन एक्स सी वाले जो भी हैं उन सबका डेरिवेटिव मान नेगेटिव के साथ होगा। माइनस। ठीक है, हमने पिछली बार प्रोडक्ट रूल किया था, याद है आपको? प्रोडक्ट यस सर, यू वी डैश वी डैश यू y इज इक्वल टू यू इंटू वी, डी वाई बाई डी एक्स क्या था? यू डैश वी प्लस वी डैश यू यू इंटू वी डैश प्लस वी इंटू यू डैश। डैश। अच्छा क्वेशन रूल किया था। तो यू वी डैश माइनस बताओ, पहले यूवी डैश माइनस वी डैश यू ऐसे अप इसको ऐसे याद क्या करो, डिनोमिनेटर होल स्क्वायर देन वी इंटू यू डैश माइनस ठीक यू इंटू वी डैश, डिनोमिनेटर है होल स्क्वायर को पहले लिखा करो। सर। नेक्स्ट आता है हमारा चेन रूल, हमने चेन रूल तो नहीं किया ना लास्ट ईयर। हमने बेसिक करा तो था क्योंकि उसमें थे कई क्वेश्चंस, एक पीपीटी में थे और उसमें थे मिसलेनियस कैसे होगा इसका डेरिवेटिव? साइन 4x, तो पहले तो साइन फंक्शन का होगा साइन फंक्शन का होगा तो कॉस 4x हो जाएगा, इसमें एंगल ऐसा हो जाएगा। कॉस ठीक है, फोर, इनटू हाँ कॉस में 4x 4x का डेरिवेटिव होगा 4, मतलब ये है कि अगर y इज इक्वल टू साइन ऑफ सम फंक्शन आ जाता है यहाँ पर, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा कॉस इनटू में एफ एक्स, ये एफ एक्स एज इट इज रहेगा, इनटू नहीं कहेंगे इसको, कॉस ऑफ एफ एक्स,
इनटू में इस एफ एक्स का डेरिवेटिव सेपरेटली होगा एफ डैश एक्स। तो यहां पर हमने यही किया है, पहले साइन का डेरिवेटिव किया तो वो कॉस होता है, एंगल एज इट इज रखना है, इनटू में एंगल का डेरिवेटिव सेपरेटली करना है, तो फोर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, फोर होगा, ठीक है। सो दिस इज फोर कॉस फोर एक्स, ठीक है। वाई इज इक्वल टू, ये बताओ जरा, वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर, तो पहले उसका होगा कॉस का, तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x। हाँ इंटू टू एक्स, पहले कॉस का होगा माइनस साइन एक्स, साइन एक्स स्क्वायर, एक्स एंगल को एज इट इज रखना है, इंटू में एंगल का सेपरेट डेरिवेटिव होगा, सो इट इज माइनस टू एक्स साइन एक्स स्क्वायर, ये आएगा, ठीक है। यस। चलो फटाफट बताते जाओ, वाई इज इक्वल टू टेंजेंट कॉल 1/x, y tan 1/x, तो सो ये tan एंगल है ना इसका, क्या ये tan इसका एंगल है ना, तो टेन ये एंगल नहीं है, टेन का एंगल 1/x है, हाँ tan का एंगल 1/x, सॉरी। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर 1/x इनटू इनटू इस एक्स 1/x को लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर माइनस वन। अभी हमने माइनस डेरिवेटिव किया नहीं है इसका, मतलब इसका डेरिवेटिव करना है, इसलिए हमने इस पे लिख दिया डी बाई डी एक्स, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ दिस, बट वो अभी हमने कंप्लीट नहीं किया है तो वो हाफ रेज ना। टू द पावर -1 हो जाएगा, तो उसका एक्स रेज टू द पावर -1/2 आएगा ना डेरिवेटिव। एक मिनट देखो, ठीक है, ये समझे आप मैंने 1/x क्यों लिखा है, हाँ जी दिस इज एज इट इज, इनटू इनटू इसका डेरिवेटिव करना था 1/x का, तो 1/x को मैंने लिख दिया एक्स की पावर माइनस वन, इसका डेरिवेटिव करना है तो पावर आगे आएगी और पावर एक कम हो जाएगी, माइनस टू हो जाएगी, पावर आगे आ गई माइनस वन हो गया, पावर एक कम हो गई तो माइनस वन में से माइनस वन करेंगे तो माइनस टू हो जाएगी, ये समझ आया आपको। सर, एक सेकंड। जब हमारी पावर मतलब जब हमारा एक्स डिनोमिनेटर में होता है, तब उसकी हाफ नहीं होती। नहीं बेटे कभी नहीं होती, y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर है, इसका रूप में मतलब होता है x की पावर माइनस टू, तो जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो ऐसे करेंगे, पावर आगे पावर एक कम, यस सर। ऐसे, ठीक है। तो ये वही केस था, पावर आगे आएगी पावर एक कम होगी। अच्छा ये हो क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ -1/x2, पहले मैं इस वाली टर्म को लिख रहा हूँ -1/x2 इंटू sec² 1/x, ये यस y इज इक्वल टू साइन ऑफ रूट एक्स। चलो ये बताओ, सर। कॉस रूट एक्स कॉस रूट एक्स, कॉस रूट एक्स एंगल एज इट इज रहेगा, रूट एक्स जी एंगल है, इनटू डी बाई डी एक्स किसका करना है, रूट एक्स एक्स का। रूट एक्स का डी आप बाई ये डी वाई। स्टेप विदाउट ये लिखे डायरेक्ट भी कर सकते हो, हाँ जी सॉरी यहाँ पर मुझे डी वाई बाई डी एक्स लिखना चाहिए था, डी हाँ वाई जी बाई डी एक्स कॉस रूट एक्स ये तो कर चुके हैं हम, इसका डेरिवेटिव करना है, तो रूट एक्स का मतलब होता है हाफ पावर, डेरिवेटिव तो फिर हो जाएगा हाफ, करेंगे तो पावर आगे आएगी और पावर एक कम हो जाएगी, तो ठीक है, हाफ एक्स टू द पावर हाफ -1। एक्स टू द पावर माइनस हाफ, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, मैं इस हाफ को पहले लिख रहा हूँ माइनस हाफ, माइनस हाफ का मतलब डिनोमिनेटर में रूट होता है, ठीक है, हाफ माइनस हाफ का क्या मतलब है, अपॉन में एक्स टू पावर हाफ नीचे पॉजिटिव हो गई 1/2, इसको लिखूंगा रूट एक्स, ये आ गया इंटू कॉस रूट एक्स, ठीक है। आपको डायरेक्टली समझ आ जाता है तो आप डायरेक्टली सीधा, मतलब सेकेंड या थर्ड स्टेप, मतलब इन दोनों में से डायरेक्टली कोई भी स्टेप भी लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव बताओ, सबसे पहले तो हम नहीं नहीं पावर, नहीं अभी मैंने आपको ये नहीं सिखाया, सॉरी, वाई इज इक्वल टू, चलो ये बताओ
कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। चलो बताओ। सर, तो सबसे पहले तो हम अपना उसका करेंगे, dy by dx is equal to minus sine in x square plus 3x plus 4 bracket में into x square का हो जाएगा 2x, और फिर 3x का होगा 3 और 4 का होगा नहीं, तो 2x plus 3। 4 का होगा 0। हाँ तो मैंने 4 का लिखा नहीं, तो वो एडिशन में से ना। तो माइनस ऑफ 2x प्लस 3 इंटू साइन ऑफ x² प्लस 3x प्लस 4। ठीक है ब्रैकेट्स तो खोल के नहीं दिखाना ना, क्या बेटे? नहीं ब्रैकेट। नहीं ब्रैकेट नहीं खोलना। ठीक है y इज इक्वल टू साइन ऑफ लॉग एक्स। बताओ जरा। डीवाई बाय डी एक्स कॉस लॉग एक्स इंटू 1 बाय एक्स। तो 1 बाय x कॉस लॉग एक्स। कॉस लॉग एक्स, ये आपका आंसर होगा। ठीक है समझ समझ गए ये। हाँ जी। ठीक है आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो अभी मैंने आपको सिखाया है कि y इज इक्वल टू किसी ट्रिग्नोमेट्रिक में, या जैसे एंगल, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक के एंगल में कोई फंक्शन आ जाता है, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? पहले इस ट्रिग्नोमेट्रिक का होगा साइन कॉस, कुछ भी हो सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक, एंगल एज इट इज रहेगा, इंटू में एंगल का अलग से डेरिवेटिव होगा। यस। ठीक है नेक्स्ट, अगर किसी फंक्शन के ऊपर पावर आ जाती है, सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल है कि वाई इज इक्वल टू सम फंक्शन हैज सम पावर। ठीक है जैसे कि वाई इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर 2 ले लेते हैं, जिसमें डेरिवेटिव कैसे होगा? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dy बाई dx इज, तो सो पहले पावर का होगा तो वो जाएगा टू सबसे एक्स पहले जब इसका डेरिवेटिव करेंगे dy बाई dx तो पावर को मल्टीप्लाई में लिखेंगे और पावर को एक कम कर देंगे, ठीक है, इनटू में f, पावर के नीचे जो फंक्शन उसका डेरिवेटिव f डैश x। ठीक है क्या आएगा यहाँ से? टू टू साइन साइन फिर इनटू कॉस एक्स। इंटू कॉस एक्स, टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव किया, सॉरी पावर आगे आ गई, पावर एक कम हो गई, इंटू में जो पावर के नीचे फंक्शन उसका, वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ कॉस एक्स। इसका मीनिंग क्या है? वाई इसको इज लिख इक्वल टू, सकते हैं कॉस एक्स रेज टू द पावर हाफ। हाफ कॉस एक्स टू द पावर माइनस हाफ। इंटू साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स। इंटू में पावर के नीचे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ये dy बाई dx है, राइट, दिस इज हाफ। इसको क्या लिख सकते हैं? डिनोमिनेटर में रूट लिख सकते हैं कॉस एक्स को, और ये ऊपर क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स, यानी कि dy बाई dx आया आपका माइनस ऑफ साइन एक्स अपॉन 2 रूट कॉस एक्स। ठीक है y इज इक्वल टू 1 अपॉन टेंजेंट क्यूब एक्स। इसका बताओ, 1 अपॉन टेंजेंट क्यूब एक्स, बताओ इसका। 1 अपॉन टेंजेंट, तो इसको हम ऊपर जाके टेन माइनस थ्री टेन एक्स रेज टू द पावर -3 लिख सकता। हाँ पहले इसको हम लिखेंगे 10x टू द पावर -3। शाबाश नेक्स्ट, आगे बताओ। -3 टेन एक्स रेज टू द पावर -4 इन टू
स्क्वायर एक्स। पावर के नीचे जो फंक्शन उसका डेरिवेटिव दैट इज टेंजेंट का होता है सेकेंट स्क्वायर एक्स. सो व्हाट इज इट, दिस इज -3 इनटू सेक्स सेक्स स्क्वायर स्क्वायर एक्स. एंड एक्स रेशियो। ठीक है. ओके, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 7 रेज टू पावर 4. बताओ इसका. थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इनटू पहले पावर आगे आएगी, हाँ पावर एक कम. थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 रेज टू द पावर 3। इनटू जो पावर के नीचे फंक्शन उसका डेरिवेटिव. हाँ तो इनटू थ्री एक्स स्क्वायर का हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, 6 6x प्लस 5 बस बस। तो 4 × 6x + 5 इनटू 3x² प्लस में 5x + 7. ठीक है, थोड़ा इसको अकॉर्डिंगली लिख दिया, ब्रैकेट खोलने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, क्योंकि ये सब बेटा डायरेक्ट नहीं आते एग्जाम में, हाँ इनके ये बेटा एप्लीकेशन। बेसिक, हम बेसिक सीख रहे हैं ये तो. ठीक है, वाई इज इक्वल टू, अब हम दोनों को मिक्स कर देते हैं. हमने अभी तक दो रूल सीखे हैं कि एक तो वाई इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्रिक हो और उस उसके एंगल में कोई फंक्शन हो. दूसरा हमने सीखा है वाई इज इक्वल टू फंक्शन अकेला है, उसकी कोई पावर है. दोनों को कंबाइन कर देते हैं. ठीक है, जैसे वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ 3x साइन स्क्वेयर 3x, ये कर दिया मैंने. इसको आपको लिखना है साइन 3x का होल स्क्वेयर. तो ये हो जाएगा इसका वो बताऊं सर डेरिवेटिव, तो डी बताओ. वाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 sin 3x इनटू पावर आगे आ गई, पावर एक, सबसे पहले पावर के रिस्पेक्ट में करना है, तो पावर हाँ आगे आ पर गई, पावर एक कम हो गई. तो वो तो रेशियो पार वन तो वो को साइड में फिर हो जाएगा इसका डेरिवेटिव किसका होगा, साइन कॉस 3x. साइन 3x का फिर कॉस 3x और फिर 3x का भी होगा तो वो इनटू जब साइन 3x का करेंगे तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक का होगा, कॉस कॉस एंगल थ्री एनालिज रहेगा, इनटू उसके इनटू एंगल का सेपरेट डेरिवेटिव होगा, है ना, इनटू 3. तो ये 3 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 sin 3x साइन एक्स कॉस एक्स। cos 3x, x नहीं 3x. ये इसका आंसर कहीं आपको ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलेगा. इसका आंसर पता है कैसे लिखा हुआ मिलेगा? इसका आंसर लिखा मिलेगा 2 2 × sin 3x cos 3x. देखो, 2 sin a cos a क्या होता है, आइडेंटिटी बताओ. 2 sin a cos a नहीं यार साइन साइन 2a, तो टू साइन है ऑफ 6x हो जाएगा, ये साइन ऑफ 6x. मैं बता रही हूँ ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ अपने चैप्टर में रहता ही नहीं है, हर चैप्टर में हाथ है। हाँ ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज, अच्छा, वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ कॉस एक्स स्क्वेयर. बताओ जरा. तो सर इसको हम लिख सकते हैं कॉस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर हाफ। सर तो इसमें वो क्रॉस आउट नहीं हो जाएंगी पावर्स? नहीं बेटा, वो होल की पावर नहीं है. ये हो, ये जो स्क्वेयर है ये सिर्फ एक्स का स्क्वेयर है, ये ओ होल फिर की एक्स। पावर नहीं है. आप इसको अच्छा अच्छे से समझना चाहते तो ऐसे समझ सकते हो, वो सिर्फ एक्स की पावर है. अगर अच्छा होल की पावर स्क्वेयर होती तो हो जाता. फिर क्रॉस आउट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो फिर हम तो इसे इसमें लिखते पहले वही अपनी पावर का डेरिवेटिव करेंगे तो वो होगा हाफ कॉस एक्स स्क्वायर इनटू फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का करेंगे तो नहीं, ये माइनस साइन पावर एक कम करेंगे ना, पावर आगे मल्टीप्लाई में लिखेंगे, पावर एक कम लिख करेंगे.
तो माइनस हाफ हो जाएगी पावर, माइनस हाफ हो इस जाएगी। हाफ पावर की आगे मल्टीप्लाई में आ गई और इसमें से एक लेस हो जाएगी पावर, तो माइनस हाफ हो गया। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का करेंगे -sin x² और फिर उसके एंगल का करेंगे जो हो जाएगा 2x, टू, तो वो 2 2 कैंसिल हो जाएगा हाँ हमारे टू टू पास। कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास -sin x² माइनस अपॉन साइन स्क्वायर अपॉन अपॉन कॉस x² रूट ऑफ कॉस हाँ एक्स रूट ऑफ गट इट। यस सर वाई इज इक्वल टू y इज इक्वल टू चलो ये नहीं, चलो ये वाला करो, y इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ रूट एक्स होल रूट, बताओ dy बाई डी एक्स। टेंजेंट रूट एक्स होल रूट, तो फिर से हम अपने होल रूट को टेंजेंट रूट एक्स रेज टू द पावर हाफ लिख सकते हैं। फिर dy dx करेंगे तो हाफ आगे आ जाएगा टेन रूट एक्स रेज टू द पावर -half इंटू फिर टेन का होगा तो हो जाएगा sec² √x। फिर रूट एक्स का करेंगे तो हाफ एक्स रेज टू द पावर -half रूट एक्स का डेरिवेटिव करेंगे हाफ एक्स टू द पावर माइनस हाफ, मैंने उसको हाँ डायरेक्टली माइनस एक्स टू द पावर माइनस हाफ को नीचे लिख दिया रूट एक्स, वहां पे और वो भी तो है तो tan रूट एक्स में रेस टू द पावर -half सॉरी माइनस हाफ आएगा यहाँ पर, हाँ ठीक पावर है आगे आ गई थी, पावर एक कम हुई थी तो यहाँ पर आएगा। ये आपको भी डायरेक्ट याद होना चाहिए, एक्स रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 √x वन आना चाहिए कि कैसे होता है, बट इतना अच्छा आना चाहिए कि आपको डायरेक्टली याद हो, ठीक है सर ठीक है। सो इट इज 1/4 √x सेकेंड स्क्वेयर रूट एक्स अपॉन में रूट ऑफ 10 √x। वाला फोर टू टैक्स हाँ जी ठीक है लाइक दिस, ओके। चलो आज इतना ही करते हैं, और मैं थोड़ा इसकी और प्रैक्टिस भेज दूंगा आपको, ठीक है चाइनी को ओके आप रिपीट कर लेना, ठीक है। हाँ थैंक यू सो बाय सर गुड नाइट। ओके बाय बेटा। और सैटरडे को फिर आप क्लास नहीं लोगे सैटरडे थोड़ा मुश्किल है बेटा, क्योंकि मैं ट्रैवल में रहूंगा सैटरडे, अगर मैं देखता हूँ मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, अगर मैं टाइमली पहुंच गया तो मैं फिर आपको वैसे ले लूंगा, वैसे ले अगर लूंगा। तो आपको जल्दी भी लेनी हो सैटरडे को तो आप बता देना तो फिर आप जल्दी वो का भी तो थोड़ा पॉसिबल, मैं बता दूंगा आपको, मोस्ट 99% मैं ले लूंगा क्लास, ठीक है सर ठीक है। ओके थैंक यू सर बाय सर गुड नाइट। ओके बाय बेटा।